हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम एक प्रिंटर रिलेटेड चीज़ करेंगे और वो क्या है, जैसा आप देख सकते हो मेरे पास अभी HP स्मार्ट टैंक 580 ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इसका जो कलर कैटरेज है वो कम्प्लीटली क्लॉग हो चुका है, यानी कि जाम हो चुका है और प्रिंट कुछ भी नहीं आ रहा है। 2-3 दिन हो गया, मैं इसे यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ, 2-3 दिन हो गया। पिछली बार मैं जब प्रिंट किया था तो ब्लैंक पे जाया था, तो आज हम वही देखेंगे कि आखिर एक क्लॉग्ड कैटरेज को आप कैसे अनक्लॉग कर सकते हो। प्रिंटर का जो प्रिंटिंग साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कैटरिज का भी जो लिमिट है वो अचीव नहीं हुआ है, इसलिए इतना तो श्योर है कि कैटरिज ठीक है और प्रिंटर भी ठीक है, लेकिन कैटरिज क्लॉग हो चुका है जिसकी वजह से प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। तो कंप्लीट प्रोसेस आज जो है वो मैं आपको बताऊंगा। आप ये वाले प्रोसेस को किसी भी प्रिंटर में यूज़ करके अपने कैटरिजेस को अनक्लॉग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक कलर प्रिंट देते हैं और ये देख लेते हैं कि वाकई में कलर कैटरिज जो है वो क्लॉग है या नहीं, उसके बाद कलर कैटरिज को निकाल के हम अनक्लॉग करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि जो कलर कैटरिज हम लोग का क्लॉग हुआ है, 2-3 दिन से प्रिंट नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में प्रिंट कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा इस तरह का किताब है, मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ, इसे बंद करते हैं। वाइट पेपर है, मैं इसे यहाँ पर डाल देता हूँ, जो इनपुट रहे वहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा पीछे से इस तरह से दिखा पाऊँ अच्छे से। तो आप देख सकते हो जो वाइट पेपर है वो डल चुका है ट्रे में और अभी हम इसे कलर प्रिंट एक देंगे और देखते हैं क्या होता है। देखिए गाइस, ये इंक टैंक प्रिंटर है या फिर स्मार्ट टैंक प्रिंटर है, तो इसमें जो प्रिंटिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और जो कलर कैटरेज है उसका भी लिमिट अभी तक पहुंचा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रिंट अच्छे से नहीं आ रहा है तो बहुत चांसेस है कि आपका कैटरेज जो है वो क्लॉग हो चुका होगा। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा आउटपुट है वो पहले क्या आता है, तो हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि जो कैटरेज है वो क्लॉग हो चुका है या फिर ठीक है। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो नीचे से हमारा ब्लैंक पेपर निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि कैटरिज मूव तो हो रहा है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कैटरिज का आउटपुट है वो कम्प्लीटली जाम हो चुका है। तो अभी हम उसे कैसे अनक्लॉक करेंगे वही हम इस अब वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो आउटपुट कम्प्लीटली ब्लैंक निकला, इसका मतलब ये है कि जो कलर कैटरिज है वो कम्प्लीटली जाम हो चुका है, कुछ भी यहाँ पे प्रिंट जो भी है कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो चलिए अब हम इसे कैसे अनक्लॉक करेंगे वही अब हम देखते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो ये है HP स्मार्ट टैंक 580 प्रिंटर। अब हम इसे इस तरह से सामने से खोलते हैं और इसका जो कैटरिजेस है वो अभी हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि कलर कैटरिज हमारा जाम हुआ है इसलिए कलर कैटरिज को हम बाहर निकाल के इसे अनक्लॉक करेंगे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा हाथ लग गया बस। तो ये है गाइस हमारा प्रिंट हेड, यानी इसी कैटरिज से हमारा कलर प्रिंट होता है, और ये है हमारा ब्लैक कैटरिज। ब्लैक कैटरिज में बाहर आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसा आप देख सकते हो ये है ब्लैक कैटरिज और ये है कलर कैटरिज। तो चलिए अभी हम कलर कैटरिज को अनक्लॉग करते हैं। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हो ये है हमारा कैटरिज। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप कैटरिज को हाथ में यूज़ करते हो या फिर हाथों में पकड़ते हो तो ये सामने वाला जो प्रोसेसर वाला पार्ट है इसको बिल्कुल डैमेज मत होने दीजिएगा। अगर इसे कुछ हो जाता है तो प्रिंटर आपका और कैटरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसे का नीचे वाला जो पार्ट है, यानी ये है हमारा आउटलेट पार्ट जहाँ से इंक निकलता है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पहले क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से एक पेपर में या फिर कहीं पर भी थोड़ा सा इस तरह रख के इसको इस तरह से घिसिए। तो जो इंक जाम हो गया होगा वो आपका हल्के से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो थोड़ा सा जाम इंक है, यानी जो क्लॉग्ड इंक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर, एक मिनट गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रंग ऐसे निकल रहा है, मैं यहाँ पर आपको फिर से करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा हल्के से यहाँ पर इस तरह से निकल चुका है, ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप, सबसे सिंपल स्टेप, आप क्या कीजिए, इस तरह से एक छोटे से कटोरे में
ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, यानी बहुत गर्म नहीं या फिर ठंडा नहीं, नॉर्मल सा आपका थोड़ा सा वार्म वाटर, यानी जो उसुम पानी बोलते हैं। अब आप क्या कीजिए, अपने कैटरेज को जो आउटलेट वाला पोर्शन यहाँ पर है, जो गाइस आउटलेट वाला पोर्शन, इसको आपको यहाँ पर इस तरह से डिप करना होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ डिप कर पाऊँ, थोड़े समय के लिए आपको इसे इस तरह से डिप करना है। तो इससे क्या होगा, जो इंक आपका सॉलिड हो गया होगा, जिसकी वजह से आपका आउटलेट जाम हो गया, वो खुल जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इस तरह से कपड़ा लीजिए या फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं पेपर लीजिए और इसे इस तरह से साफ कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा कलर है वो अभी दिखने लगा है, इसका मतलब ये है कि जो आउटलेट है वो अभी खुल रहा है। फिर से अभी हम थोड़ा इसको करते हैं इस तरह से डिप, दो तीन बार आप इसे इस तरह से डिप कीजिए। तो अभी आप देखिए ये लगभग आपका अनक्लॉग हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक ठो कपड़ा लीजिए, साफ कपड़ा आप लीजिए, इसमें आप इस तरह से इसको पोंछ लीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो इंक है वो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए इंक जो है वो अभी हमारा निकल रहा है, वापस से मैं इसमें कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। देखिए जो इंक है वो अभी निकलना शुरू हो जाए, यानी जो क्लॉग्ड कैटरेज था वो अभी अनक्लॉग हो गया। देखिए तीनों कलर्स हमारा निकल रहा है, यानी जो सियान, मजेंटा और येलो, तीनों निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कैटरेज है वो अनक्लॉग हो गया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस, आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके किसी भी प्रिंटर के कैटरेज को इजीली ओपन कर सकते हो या फिर अनक्लॉग कर सकते हो। तो ये हमारा जो कैटरेज है वो अनक्लॉग हो गया है, अभी हम इसे प्रिंटर में डालते हैं और एक प्रिंट करके देखते हैं ये अनक्लॉग होने के बाद अच्छे से प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी हम प्रिंट करके ये चेक करते हैं कि जो क्लॉग्ड कैटरेज था वो अच्छे से अनक्लॉग हो गया या नहीं। तो यहाँ पर गाइस मेरे पास एक नोटबुक है, आप देख सकते हो, इसी को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ, मैं इसे बंद करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास एक कम्प्लीटली वाइट पेपर है, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से डालता हूँ एंड अभी हम लोग एक कलर प्रिंट देते हैं और देखते हैं। मैं गाइस कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ऐसे पीछे कर दूँ ताकि आपको आउटपुट दिख जाए। तो गाइज जैसा आप देख सकते हो आउटपुट निकल रहा है और जो कलर कैटरेज है वो कम्प्लीटली अनक्लॉग हो गया है। तो आप इसी सिंपल प्रोसेस को यूज़ करके अपने कैटरेजेस को अनक्लॉग कर सकते हो। अगर वो जाम हो गए हैं तो बहुत ईजिली आप उन्हें साफ़ कर सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो गाइज जो प्रिंट आउट है वो निकल चुका है। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।